पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बेबी पोकेमोन क्वेस्ट के लिए ऐश अपने नए पोकेमोन को चूज कर लेता है, जो अभी अभी एक से बाहर आया था। वो उसके साथ ट्रेनिंग भी करता है, जिसके बाद ऐश को पता चलता है कि उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स हैं। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और ऐश को पता चलता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर 200 पोकेमोन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से उसकी बैटल एंथनी के साथ थी। दोनों ही ट्रेनर स्टेडियम में आ जाते हैं। ऐश अपने न्यू पोकेमोन को चूज करता है, वहीं पर एंथनी भी अपने पोकेमोन को सेंड करता है। अब आगे एंथनी अपने पोकेबॉल को बैटल फील्ड में फेंकता है और बोलता है जाओ थॉर्नेट। थॉर्नेट कुछ इस तरह का दिख रहा था। तभी अचानक से पूरे स्टेडियम से काफी तेज आवाज आने लगती है, मानो कि सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो। ऐश को लगता है कि ये सब एंथनी को देखकर एक्साइटेड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसको नहीं जानता था। पर रीजन कुछ और ही था। सारी ऑडियंस ऐश के पोकेमोन को देखकर पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थी। उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा था। कमेंटेटर बोलता है कि एक तरफ एंथनी ने थॉर्नेट पोकेमोन को यूज किया है, वहीं पर दूसरी तरफ उसके अपोनेंट यानी कि ऐश ने एक यूनिक बेबी पोकेमोन का यूज किया है, जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। ये एक मिस्टीरियस पोकेमोन है। सभी लोग इसकी पावर देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। बैल स्टार्ट हो जाती है और थॉर्नेट यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का, जो कि ऐश के बेबी पोकेमोन के ऊपर लग जाता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आज तक किसी ने भी अटैक नहीं किया था। ऐश बोलता है तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें सामने वाले पोकेमोन को डिफीट करना है, चलो एक अटैक का यूज करो। बट ऐश का पोकेमोन किसी भी अटैक का यूज नहीं करता है। वहीं पर दूसरी तरफ से थॉर्नेट यूज करता है डबल स्लैप अटैक का, जिससे ऐश के पोकेमोन को डैमेज पड़ता है एंड वो और भी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद थॉर्नेट पोकेमोन एक आयरन टेल का भी यूज करता है, जिससे ऐश के पोकेमोन को दोबारा डैमेज पड़ता है। ऑडियंस की सारी एक्साइटमेंट चली जाती है। ब्रॉक, मिस्टी और सेना भी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि ऐश के लिए उसके नए क्वेस्ट में अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था। एंथनी बोलता है ये तो मेरे पूरे जर्नी की वन ऑफ द इजिएस्ट बैटल होने वाली है, तुम्हारे पोकेमोन को तो अटैक करने भी नहीं आता। कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैं इस बैटल को जीतने वाला हूँ, थॉर्नेट स्लैश अटैक का यूज करो। थॉर्नेट ऐश के पोकेमोन के पास पहुंच जाता है। ऐश उस अटैक को डॉज करने बोलता है, बट ऐश का पोकेमोन रिएक्ट नहीं करता और वो स्लैश अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। ऐश बैटल को देखते हुए सोचता है कि उसने एक न्यू पोकेमोन को उतार कर काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, उसको कोई और पोकेमोन कैच करना चाहिए था। अभी उसके पोकेमोन को और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है एंड वो हारने वाला है। ये उसकी जर्नी की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती थी। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि ऐश की जर्नी की अभी स्टार्टिंग ही थी। एंथनी बोलता है कि चलो बैल को खत्म करते हैं, एक और स्लैश अटैक का यूज करो। थॉर्नेट पोकेमोन ऐश के पोकेमोन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। अगर ये अटैक ऐश के पोकेमोन के ऊपर लग जाता है तो वो हार जाएगा और ऐश इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, और वो भी फर्स्ट राउंड में। थॉर्नेट पोकेमोन ऐश के पोकेमोन के पास आ जाता है, तभी ऐश बोलता है दोस्त अभी अटैक करो। सरप्राइजिंगली ऐश का पोकेमोन अपने टेल का यूज करके अटैक कर देता है और स्लैश अटैक और उसके टेल दोनों टकरा जाती है। बट ऐश के पोकेमोन का अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे थॉर्नेट पोकेमोन वॉल पर जाकर टकरा जाता है और हार भी जाता है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सेना, एंथनी और सारी ऑडियंस पूरी तरह से शॉक रह गई थी, क्योंकि जो पोकेमोन अभी तक बैटल भी नहीं कर पा रहा था उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक का यूज करके थॉर्नेट पोकेमोन को डिफीट कर दिया था, जो कि अनबिलीवेबल लग रहा था। ऐश को भी इसमें भरोसा नहीं हो रहा था, वो पूरी तरह से शॉक्ड खड़ा हुआ था। एंथनी अपनी जगह पर ही खड़े रहता है और सोचता है कि अभी अभी क्या हुआ है। पूरी ऑडियंस शोर मचाने लगती है। ब्रॉक बोलता है ये तो होना ही था, ये पोकेमोन सच में स्पेशल और मिस्टीरियस है, बस इसको अच्छे ट्रेनिंग की जरूरत है और इसको ऐश से ज्यादा अच्छा पोकेमोन ट्रेनर नहीं मिलने वाला। और अगर एक बेबी पोकेमोन सबसे पहली बार लड़ रहा है तो इससे ज्यादा अच्छी बैटल उसके लिए कभी भी नहीं हो सकती है। ये तो अभी शुरुआत है। एंथनी को रियलाइज होता है कि वो हार चुका है और वो अपने थॉर्नेट पोकेमोन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। वहीं पर ऐश अपने पोकेमोन के पास जाता है और उसको गले लगा लेता है। वो बोलता है तुमने कर दिखाया, बट ऐश के पोकेमोन को नहीं पता था कि उसने क्या किया है। वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, बट फिर भी वो ऐश की खुशी देखकर खुश हो जाता है। सेना बोलते हैं कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ऐश की एडर रीजन की सबसे पहली बैटल है और उतनी ही ज्यादा मेमोरेबल है। ये ऐश को हमेशा के लिए याद रहने वाली है। एंथनी उदास होकर ऐश के पास आता है और हाथ मिलाता है। वो बोलता है कि मुझे लगा था कि ये बैटल मैं इजीली जीत जाऊंगा। तुम्हारा पोकेमोन बिल्कुल नया था एंड उसको अटैक करना भी नहीं आता था, बट उसने अचानक से एक अटैक का यूज कर दिया और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उस एक ही अटैक में मेरा थॉर्नेट पोकेमोन हार गया। हमने इससे पहले काफी ट्रेनिंग करी थी, पर अब सारी ट्रेनिंग वेस्ट हो चुकी है और मैं इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गया हूँ। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। एंथनी बोलता है तुमने सही कहा, और हाँ मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा पोकेमोन बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अटैक का यूज किया था एंड उसी से मेरा पोकेमोन हार गया। तो जब ये अपने फुल पोटेंशियल पे जाएगा तो काफी कुछ करने की पावर रखता है। ऐश अपने पोकेमोन की तरफ देखता है, वो ऐश के पिकाचू के साथ खेल रहा होता है। वेल, अब ऐश ने सेकंड राउंड में प्रोसीड कर लिया था और अब वो टॉप 100 पोकेमोन ट्रेनर्स में आ गया था। एंथनी और ऐश दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ऐश ब्रॉक, मिस्टी और सेना से मिलता है। सभी लोग इस बैल को देखकर पूरी तरह से शॉक रह गए थे। सेना बोलते हैं कि मुझे लग रहा था कि तुम्हारा पोकेमोन इजीली हार जाएगा। मिस्टी बोलते हैं कि ऐसा सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि ऐश और पूरे स्टेडियम को लग रहा था कि ऐश का पोकेमोन बहुत ज्यादा वीक है।
ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट ऐश के पोकेमॉन का कमबैक देखने लायक था। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस के लिए टेल को यूज किया था जो कि थॉर्नेट के ऊपर लग जाती है और उससे थॉर्नेट हार जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐश और उसका पोकेमॉन पूरी तरह से रेडी होते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए जो कि कुछ ही टाइम में होने वाला था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें अपने पोकेमॉन के साथ और भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपने डिफेंस के लिए उस अटैक का यूज नहीं करता तो ये डेफिनेटली हार गया था। तुम्हें इसको परफेक्ट करना होगा। ऐश बोलता है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐश स्टेडियम से बाहर आ जाता है और ब्रेक में अपने पोकेमॉन के साथ काफी ट्रेनिंग करता है। वो उस अटैक को भी परफेक्ट कर देता है जिसका यूज ऐश के पोकेमॉन ने थॉर्नेट को डिफीट करने के लिए यूज किया था। तभी बेल रिंग होती है। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश टाइम हो चुका है टॉप 100 बैल के मैचअप्स को अनाउंस होने का, जल्दी स्टेडियम में चलो। ऐश और उसके फ्रेंड स्टेडियम में पहुंच जाते हैं जहां पर मैचअप्स अनाउंस होते हैं। ऐश वापस से अपना नाम ढूंढता है। ब्रॉक को ऐश का नाम दिख जाता है और पता चलता है कि ऐश की बैटल इस बार एक जॉर्ज नाम के पोकेमॉन ट्रेनर से होने वाली है। वो लोग जॉर्ज को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी जॉर्ज खुद ऐश के पास आ जाता है और बोलता है कि हेलो क्या तुम ऐश हो। ऐश बोलता है कि हाँ मेरा नाम ऐश कचम है। जॉर्ज बोलता है कि मेरी बैटल तुम्हारे साथ ही होने वाली है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। ऐश भी जॉर्ज के साथ हाथ मिलाता है और उसके बाद जॉर्ज वहां से चले जाता है। मिस्टी बोलती है एक मिनट, कहीं ये वही पोकेमॉन ट्रेनर तो नहीं है। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आता और बोलता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। मिस्टी बोलती है कि जब फर्स्ट राउंड की बैटल चल रही थी तो जॉर्ज ने अपने अपोनेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक का यूज करके डिफीट कर दिया था जो कि वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बैटल थी। ऐश बोलता है कि सच में। ब्रॉक बोलता है कि हाँ मैंने भी नोटिस किया था, ये अपोनेंट काफी टफ होने वाला है। ऐश अपने न्यू पोकेमॉन की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं रेडी हूँ, हम दोनों साथ मिलकर किसी को भी डिफीट कर सकते हैं। इसके बाद बैटल होना स्टार्ट हो जाती है और एक एक करके काफी सारी बैटल्स होती है। कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स थर्ड राउंड यानी कि टॉप 50 में चले जाते हैं, वहीं पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो टाइम आ जाता है जब ऐश और जॉर्ज की बैटल होने वाली थी, बट ऐश इसके बारे में भूल जाता है। जॉर्ज स्टेडियम में पहुंच चुका था बट ऐश अभी तक स्टेडियम में नहीं आया था। अनाउंसर बोलता है कि ऐश कचम अगर तुम स्टेडियम में हो तो बैटल फील्ड में आ जाओ वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसको ऐश ब्रॉक मिस्टी और सेना सुन लेते हैं। ऐश जल्दी से बैटल फील्ड में पहुंच जाता है और एलिमिनेट होने से बच जाता है। वो सभी से सॉरी बोलता है। जॉर्ज बोलता है कोई बात नहीं। तभी रेफरी बोलता है कि अब बैटल को स्टार्ट किया जाए। जॉर्ज अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है स्पार्कलीट जाओ। स्पार्कलीट मैदान में आ जाता है, ये देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश बोलता है स्पार्कलीट ये तो इंटरेस्टिंग है। वो अपने पोकेडेक्स को निकालता है और स्पार्कलीट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेता है। ये एक इलेक्ट्रिक और स्टील टाइप पोकेमॉन था। दूसरी तरफ से ऐश भी अपने पोकेमॉन को भेज देता है।